ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਵਲਟੋਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਬਤਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਚਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰੋ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਨੇੜੇ ਵੇ ਤੇਲ 50 ਦਾ ਪਵਾਗੇ 25 ਮਾਰਦਾ ਏ ਗੇੜੇ ਵੇ ਲਈ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਕ ਤੇ ਬਟਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਪਟੀਨਾ ਪੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਟੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਗਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਟੌਂਟ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ 35 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਅੜੇ ਉੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਬਣੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਲਟੀਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਰਾਡੀ ਵੀ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੈ ਭਾਈ ਇਨਕੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਯੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਕਾ ਇਹ ਦੇਖੀ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੀ ਗਾ कपाल मोचन मेले की है भैया ये कपाल मोचन मेले की अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर पंजाबियों के साथ जो है ना बातचीत कर रहा हूँ यहाँ पे ये सब दुकानें जो है ना पंजाबियों की यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मजे आ रहे हैं क्या नाम है भैया आपका संदीप नाम है संदीप कहाँ से हो भैया दिल्ली से सर दिल्ली से अच्छा क्या कुछ करके दिखाओगे दिखाना जरा हमें बहुत अच्छा आइटम है सब्जी काटने दिखाओ जरा के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें जैसे कैबेज काटनी है जी चाइनीज के लिए पुलाव के लिए मैगी के लिए नूडल्स के लिए सैलड के लिए काटेंगे इसमें ठीक है इसी के अंदर जैसे आपको ऑनियन सैलड बनानी है जी क्या होता था पहले हाथ से काटते हाथ कट जाता था इसके साथ में आएगा सॉफ्ट सेफ्टी होल्डर इसमें लगाना प्लेट को उठाना ऑनियन रेडिश कैरेट कुकुम्बर सब लास्ट होगा वेस्ट नहीं होगा हाथ नहीं कटेगा पीस नहीं होगा टमाटर काटना है इसमें सॉफ्ट एंड हार्ड प्लेट को निकाल देना टमाटर की सैलड बना जैसे रेडिश कैरेट कुकुम्बर कोई भी सैलड बना जैसे आपको खीरा काटना है इसमें खीरा काट लो जैसे खीरा काट सकते हो खीरे को जैसे छिलना पड़ता है जैसे गाजर खीरा के लिए चलो भाई कितने का पड़ता है क्या प्राइस है 225 का ये 225 सैलड के लिए प्लेट को निकाल दो उसे सैलड के लिए काटेगा 150 का जो ऐसे काटो ये लो इसी के अंदर जैसे आलू का बनाने ना चिप्स बनाने इसको लगा दो इसमें बनाएगा डिजाइन छोटी चीज कोई भी है इसमें लगाओ यहाँ से बनाएगा डिजाइन ही बनाएगा इसे इधर से बनाएगा प्लेन वाले इसी के अंदर बनाएगा जैसे हार्ड शेप बनाना है इसके हार्ड शेप बना ऐसे हार्ड शेप बनाएगा एक सेट आता है पूरा सेट के अंदर देखो एक ये मिलेगा दिखाना जरा अलग से लेते हैं 225 का है पूरा ठीक है दूसरा पीस ये आता है इसमें जैसे आलू के बनाने ना फिंगर चिप्स बनाने ठीक है आलू रखना है इसमें रख के दबाना है आलू के फिंगर चिप्स बनाओ चिल्ली पटेटो बनाओ इसी के अंदर जैसे प्याज काटनी है ना हाथों में निशान आग उस पानी प्याज रख दो उसमें सिरके के लिए करेला फ्राई पकौड़े के लिए काटेगा ठीक है नेक्स्ट टाइम रखेंगे तो उसमें बारीक हो जाएगा जैसे तड़के के लिए दाल फ्राई सांभर पाव भाजी टिक्की बनते के लिए चुप हो जाएगा इसी के अंदर जैसे आपको टमाटर काटना है चाकू से काटते ना जूस और मिक्सी में पेस्ट इसमें दो पीस करके देख लो खराब है तो फेंक दो सही है तो काट लो उसमें ना जूस निकलेगा ना पेस्ट निकलेगा दानियर कटिंग होगी इसी के अंदर जैसे आपको घिया काटना है तोरी काटनी है लौकी काटनी है बैंगन काटना है इसमें कट लगा के देख लो खराब है फेंक दो सही है काट लो जितनी देर में मिक्सी फूड प्रोसेसर का पलक और बटन दबाएंगे उससे पहले सब्जी कट क्या बात एक सेट आता है सेट के अंदर आपको एक ये भी मिलेगा अलग से लोगे तो ये 450 का है एक ही आता है इसके अंदर जैसे आपको छीलना होता है जैसे गाजर मूली खीरा कड़ी छीलेगा ठीक है छीलने के बाद में काटना काट लो एक मिनट भैया यहाँ से काटेगा ठीक है छीलेगा भी काटेगा भी छीलेगा भी जैसे आपको मिर्ची काटनी होती है ना जैसे मिर्ची काटनी है ठीक है भिंडी काटनी है बीन्स काटनी है फ्रांस बीन्स काटनी है कोई भी चीज़ काटनी है जैसे भिंडी काटती है इसमें चार पाँच भिंडी पकड़ो फटाफट इसमें भिंडी काट सकती है ठीक है एक सेट के अंदर ये भी मिलेगा आपको ठीक है एक आता है बिल्कुल फाइन चॉपिंग के लिए बहुत अच्छा होता है ये वाला पुश चॉपर बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम जी 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 इसमें जैसे आपको बिल्कुल बारीक करना होता है बिल्कुल जैसे प्याज काटनी होती है बिल्कुल फाइन चॉपिंग करेगा ठीक है इसमें डाल दो उसे ऑनियन ग्रीन चिल्ली जिंजर गार्लिक जो भी खाना है इसमें भर के बस इसको लगा देना और चला तड़के के लिए दाल फ्राई के लिए मटर चिकन के लिए ग्रेवी मंचूरियन बिरयानी मोमो छोले के लिए फूल गोभी जितना ज़्यादा चलाओगे ज़्यादा बरी कम चलाओ कम बरी एक एक दाना आपको अलग अलग मिलेगा ठीक है इसमें जैसे आपको गोभी के बनाने ना पराठे जी जैसे कद्दूकस में काटते हैं आप जी उंगली छिल जाती है कट जाती है इसमें फूल गोभी पत्ता गोभी के जैसे पराठे बनाने जी जी इसमें भर के इसको चला देना गोभी के पराठे इसी में डाल दो नमक इसी में डाल दो मिर्ची इसे फर्स्ट क्लास गोभी के पराठे बना इसमें हाथ नहीं कटेगा ठीक है आँखों से पानी नहीं आएगा धोने धोने का काम खत्म जितना आप ज़्यादा चलाएंगे ज़्यादा पनीर कम चलाओ कम भी और जब भी आप गोभी के पराठे खाएंगे ना तो आप यही कहेंगे पनीर के पराठे जितना ज़्यादा चलाओ ज़्यादा पनीर कम चलाओ कम भी एक एक दाना आपको अलग अलग मिलेगा ये देखिए बिल्कुल फाइन चॉपिंग करेंगे क्या बात है ये देखिए
बिल्कुल बारीक होगा, इसमें देखो हाथ गीला नहीं होगा, कोई पानी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल दानी है कटी, बिल्कुल ये आएगा। क्या बात है भैया, तो ये इसमें जैसे टमाटर काटना है, टमाटर मिक्सी में काटते ना, एक टमाटर मिक्सी में नहीं काट पाऊंगा, पेस्ट बन जाएगा, इसमें पेस्ट नहीं बनेगा, दो चार बार इसको चलाना है, ये देखो बिल्कुल फाइन चॉपिंग हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर जैसे पानी डाल देंगे तो ग्रेवी बन जाएगी, टमाटर प्याज की ग्रेवी बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और शेक बनाना है, मैंगो शेक, मिक्स शेक बनाना, शेक क्या डाला भी आपने, क्या डाला इसमें, ये ब्लेड होता है। अच्छा ब्लेड है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टील एसएस का ब्लेड है, ठीक है ठीक है, लॉन्ग लाइफ ब्लेड होता है, एक बार लो 10 साल चलाओ, ठीक है, ये आएगा। तो ये पूरे सेट, ये पूरे सेट का क्या प्राइस है इसका आपकी? ये पूरा सेट सर 1200 रुपये का है, ये पूरा सेट 1200 का है, हाँ जी, ठीक है। और हर जगह मंगा सकते हैं आप, कहीं भी ऑल इंडिया सर्विस है सर, ठीक है ठीक है। तो ये सिंगल पीसेस भी इसमें से ले सकते हैं, सिंगल में से अलग से आप ये लेंगे 225 का है जी, ये अलग से लेंगे तो ये 150 का है, ठीक है, ये अलग से लेंगे 450 का है, ठीक है, और ये अलग से लेंगे 400 का है, पूरा सेट लेते हैं 1200 का पड़ेगा, ठीक है सर, थैंक यू। इसके साथ में नाइफ गिफ्ट है जी, एक ये चाकू है, ये भी चाकू 5 काम करेगा, इसमें जैसे पहला काम तो यहाँ से छीलेगा, ये बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है। दूसरा काम ये स्क्रैप करेगा, जैसे करेला तोरी अरबी अदरक जो सब्जी नहीं छिली जाती है स्क्रैप करेगा जी, ठीक है। और यहाँ से ये काटेगा, जैसे किचन में कहीं आप नाइफ ढूंढते हैं तो कहीं पिलर दोनों उसी में होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। और चौथा काम है इसका, जैसे एप्पल होता है ना जी, एप्पल के सेंटर में लगाना है, इसे राउंड फिंगर घुमाना है, एप्पल के सीड्स वगैरह निकाल लो, एप्पल को तो खा लेना है। और इसके अंदर क्या करना है आपको, इसमें कोई भी इसमें पतली सी मिर्ची फिट कर दो प्याज के अंदर, ठीक है, और मूली के अंदर गाजर, टमाटर के अंदर पनीर, इसको आलतू फालतू काट के ना गेस्टों के सामने सजा के रख दो, तो उसे खाने वाले खाएंगे कम और सोचेंगे ज़्यादा कौन सा कुछ देती, घर से प्याज के अंदर मिर्ची और मूली के अंदर गाजर, टमाटर के अंदर पनीर, ये पूरे सेट के साथ में गिफ्ट मिलेगा, ठीक है सर। पूरा सेट कितने का बताया आपने? सेट ये 1200 रुपये का, ठीक है ठीक है। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो 1700 रुपये का, यहाँ पे 1200 का, ठीक है ठीक है। 100 रुपये सेल है भाई, 100 रुपये सेल, 100-200 रुपये, 100-200 रुपये सेल है। ये पिछले पीछे कितने आए? ये 200 रुपये, ये 100-100। अच्छा ठीक है, अब रेट किसी को बात नहीं लगाते, ठीक है, 100-200। ये भी 100-100 का ही है, 100-100 का माल है ना,